आप सोसाइटी में यू शुड बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर इन वन। समझे, मैं दोबारा बताऊंगा कि आपको सारी चीजें आनी चाहिए, बैडमिंटन भी आना चाहिए, फुटबॉल भी आना चाहिए, क्रिकेट भी आना चाहिए, गाना भी आना चाहिए, लेकिन एक में स्पेशलिस्ट होना चाहिए, एक ऐसी चीज आपके पास हुनर होना चाहिए जो बाकी किसी के पास नहीं हो, समथिंग यूनिक। आप अपने पोटेंशियल के हिसाब से सिलेक्ट कर लें, अगर आप अच्छा पेंटिंग कर सकते हो तो पेंटर ही बन जाओ, आप सिंगिंग कर सकते हो तो वैसा ही सिलेक्ट कर लो म्यूजिक, लेकिन एक हुनर जरूर रखना, उससे जिंदगी अच्छी बसर हो जाएगी। यह चीजें फ्रस्ट्रेशन नहीं देती, इनसे आपको मेंटल पीस मिलेगा, फिर गलत रास्ते पे नहीं जाएगी। आज जो आपने देखा ये स्किट पेश किया गया, वंडरफुल प्रेजेंटेशन, इसकी जरूरत है। इन बच्चों ने जो मेहनत की है इसका मतलब है, मीनिंग है और जरूरत है सोसाइटी में। हम सोसाइटी के डॉक्टर हैं, याद रखना। कैसे? आपकी सोसाइटी में, आपके घरों में क्या क्या अच्छा है, क्या क्या बुरा है, हो रहा है, हमें पता चलता है, और जो बुरा हो रहा है वो हमारे पास रिपोर्ट होता है। तो हमसे बेहतर सोसाइटी का डॉक्टर कोई नहीं हो सकता, हम फिजिशियन हैं। तो इसलिए आज की युग में सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो रही है तो ड्रग्स की वजह से है। बच्चों के करियर खराब, फैमिलीज खत्म, नेक्स्ट जनरेशन गैप क्रिएट हो रहा है। इसको बात को लाइटली नहीं लेना, क्योंकि जो आपकी एज ग्रुप के लोग हैं 11th 12th 9th के बाद, वो बच्चे सबसे ज्यादा खराब हो रहे हैं। किश्तवाड़ में बच्चियां ड्रग्स ले रही हैं। हमने जो अभी पिछले 3 महीने में केसेस रिपोर्ट किए, 500 ड्रग कंज्यूमर और पेडलर आइडेंटिफाई किए, रिकॉर्ड बिल्डिंग है। 70 से 80 यहां से भाग चुके हैं। सब नेक्सस है, वो क्या रहा है, कैसे ड्रग्स आ कैसे रही, आप सोचते हो कहां से आ रही है, पाकिस्तान से, ड्रोन के थ्रू ड्राफ्ट करते हैं, फिर बॉर्डर पे कुछ लोग शरारती लेके आगे वो ड्रग्स पैसे की खातर बेच रहे हैं, और एंड कंज्यूमर आपके किश्तवाड़, पूंछ, पेरीफ्री, दूर के बच्चे जो वो टारगेट किए जा रहे हैं। इतने बुरे तरीके से एडिक्ट हो चुके हैं। कल एक सिचुएशन बताता हूं, यहां आपके किश्तवाड़ में हमने कल 2 लड़के पकड़े, उनके घरों में तलाशी ली है, तलाशी से फिर ड्रग्स मिली, और एक के घर में पैथेटिक स्ट्रीट, आपको रोंगटे खड़े हो जाते हैं देखते। एक का फादर पिछले 18 साल से घर में जेल बना के बंद किया, वो पागल है। फोटो है ना जी, एसएचओ साहब के पास है इधर। फादर को पिंजरे में बंद किया हुआ, वो बाहर निकलता है, वो काटता है, मारता है, लेकिन बेटा ड्रग्स पूरे शहर को हिला रहा है। तो आपकी कौन सी बेहतरी हुई उस पैसे से? आपका अपना कर्तव्य है। हमें उस घर में सर्च करते बहुत एहसास हुआ, महसूस हुआ कि ये कितना तबाही है सोसाइटी में। जो हमारी सोसाइटी के लीडर हैं, चाहे रिलीजियस है, पॉलिटिकल है, इन चीजों पर गौर करें ना, इन फैमिलीज को उठाएं जिनको जरूरत है। हमारे पास बंदा तब पहुंचेगा जब खराब हो चुका है। 90% खराबी तो सोसाइटी के अंदर है। तो घरों में माहौल बनाओ, अपने बच्चों को ड्रग से बचाओ। और आप बच्चों के लिए बता देता हूं, जो बच्चे ड्रग्स में इन्वॉल्व होते हैं उनके खिलाफ केस रजिस्टर होता है, और उस केस में 20 साल की सजा हो सकती है। आप बहुत सोच के जिंदगी में बैठे, मैं ये बनूंगा, एक केस रजिस्टर हुआ जिंदगी खराब है, रोड पे आ जाओगे, पत्थर तोड़ने के काबिल नहीं रहोगे। तो इन चीजों से आपने सिर्फ इतना करना है कि से नो टू ड्रग्स, इन चीजों में मुलव्वस नहीं होना है। नुकसान क्या है? यह सिर्फ केवल एक ही क्राइम है जो अपने खिलाफ कमिट करते हो, ड्रग लेके जाना, ड्रग खाना, सब जुर्म है। जब खाते हो नुकसान क्या? लीवर खराब, किडनीज खराब, फिर हार्ट अटैक, हेल्थ बुरी कंडीशन, पैसे की तबाही। तो आज अगर एक बच्चा ड्रग शुरू करता है 6 महीने में डेथ हो जाएगी उसकी। आपके यहां डेथ हुई?
13 डेथ हुई है, किसी ना किसी का कोई रिलेटिव होगा। तो इसलिए इस चीज को मजाक में हल्के से मत लें। आज का जो, जैसे हमने तो यह शुरू किया है कि जो ड्रग जिस जिसके घर से जिस बंदे से ड्रग्स मिलेगी उसके घर के बाहर डोर भी बजाएंगे हम। सोसाइटी में बदनाम भी होना चाहिए कि भाई आज पुलिस ने इसके घर से ड्रग्स रिकवर किए। आपका सोशल सेटअप खराब हो जाएगा। तो इंसान किस लिए जीता है बच्चों? इज्जत के लिए। इज्जत तब बरकरार रहेगी जब अच्छे काम करेंगे। हमें खुशी होगी कि आप लोग मेहनत करें, दिन रात पढ़ाई अच्छी करें, अच्छे लीडर बने, अच्छे राइटर बने, अच्छे टीचर बने। हम कोशिश करेंगे, नुक्कड़ नाटक हमने यहाँ शुरू किए हैं, शाम को इंदिरा चौक में डिफरेंट जगहों पर बस स्टैंड पर नुक्कड़ नाटक करवाते हैं। आगे भी हम ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करेंगे कि जिससे यूथ बचाया जा सके। और यूथ को बचाने के लिए सिर्फ हमारी जिम्मेवारी नहीं, हर डिपार्टमेंट की है। मैं मुबारकबाद देता हूं यहाँ के मैनेजमेंट को, इन बच्चों को आपने बुलाया। यहाँ आपको कुछ नहीं पल्ले पड़ा, कुछ नहीं फायदा हुआ, 1% जरूर हुआ होगा कि इन्होंने कुछ तो कहा। क्यों कहा? ये बेवकूफ तो है नहीं कि जम्मू से चल के आएंगे। इन्होंने बढ़िया मैसेज दिया कि आज आपकी कौम, आपकी सोसाइटी, अपना रीजन तबाह हो रहा है वो ड्रग्स की वजह से। और कर कौन रहा है? वो लोग कर रहे हैं कि जिनका सिर्फ पैसा इंटरेस्ट है, और पैसा जिंदगी में नहीं चाहिए भाई ज्यादा। जिसके पास पैसा ज्यादा है वो भी 3 टाइम ही खाना खाता है, और जिसके पास कम है वो शायद 2 टाइम का खाता होगा, लेकिन जिंदा है। तो जिंदा रहने के लिए आपको ज्यादा चीजें नहीं चाहिए, इसलिए ज्यादा गलत सोबत में नहीं पड़ना, करियर खराब हो जाएगा, पकड़े जाओगे तो इंशाल्लाह हम हो जाएंगे काम। ठीक है जी, एक बात याद रखना, रिजिड नहीं होना मेंटली। रिजिड समझते हो कैसे? ये कह दिया बस पता नहीं ये हो जाएगा। मैंने अपने आप को खुला रखना है। एक फूल जब निकलता है बट से, तो अगर उसके आसपास आप रस्सी से बांध देंगे वो वहीं बंद रहेगा, तो वो खुलेगा नहीं। तो आप फ्लावर है बडिंग स्टेज पे, तो आपका फूल जो है आप ऐसे फ्लावर की तरह खुलने चाहिए। किसी भी रिलीजियस, किसी भी सेंटिमेंटल एस्पेक्ट से नहीं जुड़ना है। आपने दिल्ली में बैठ के, करोल बाग में बैठ के कोचिंग करनी है और IAS ऑफिसर बनना है इंशाल्लाह। उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप इन चीजों में मत रहे कि मुझे ये नहीं मिलेगा, मैं ठाठवी क्रॉस करूंगा, वो दोस्त नहीं मिलेगा, वैसा कल्चर नहीं मिलेगा। हर जगह इंसान अच्छे हैं। सुनने वाले की डिमांड हो, जैसा सुनने वाला सुनना चाहता है वैसा बोला जाए, वैसे ही अपनी कंटेंट्स रखें, वैसे ही अपनी जबान वही इस्तेमाल करें, वही लैंग्वेज कम्युनिकेशन में ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है कि मैं आपके साथ में इंग्लिश बोलूं और आपको समझ ना आए तो इस कम्युनिकेशन का कोई फायदा नहीं। जब भी जहां भी एड्रेस करते हो, जिन लोगों से बोलते हो, उनको जो जबान समझ आती है उसी में बात करना। इसके साथ जब आप, आई मेक एप्रिसिएशन फॉर यू द वे यू हैव ऑर्गेनाइज्ड, द वे दिस चिल्ड्रन आर अलाइन, और शहर के अंदर यू आर द लकीस्ट लॉट बिकॉज यू आर हियर। जनाब SSP साहब, SHO साहब, महबूब सर, मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज जो ये स्किट किया इन्होंने, बहुत ही बढ़िया टॉपिक था कि हमें ड्रग्स से किस तरह दूर रहना चाहिए, इन सब गलत चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। तो बहुत ही अच्छे अंदाज में इन्होंने हमें समझाया। जनाब SSP साहब का शुक्रिया कि उन्होंने हमें इतनी अच्छी नसीहतें की। और अपने तमाम भाइयों बहनों की तरफ से मैं SSP साहब का शुक्रिया कहना चाहता हूँ। आई एश्योर यू कि हम सब तमाम मेरे भाई बहन, हम जितने भी हैं, कभी इन गलत हरकतों में नहीं पड़ेंगे इंशाल्लाह। और इन चीज़ों से हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि दूर रहें। और शुक्रिया आप सभी का भी कि आप लोगों ने आज हमें वक्त दिया और इतने अच्छे तरीके से हमें समझाया। और फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ मैं आप सबका।